हाय एवरीवन, वेलकम टू विस्तृति एजुकेशन। आज के इस छोटे से वीडियो में हम कवर करेंगे अरावली की मुख्य पर्वत चोटियों के बारे में, जिसमें अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है इनके सर्वोच्च से कम की ओर क्रम पूछा जाता है, कितनी बार इसमें ज्यादा से कम की ओर पूछा जाता है और कितनी बार कम से ज्यादा की ओर पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ एक ट्रिक में अरावली की जो 15-16 सर्वोच्च चोटियां हैं उन सबके बारे में पढ़ लेंगे और एक ही क्रम में पढ़ेंगे, जिससे कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्जाम में। तो आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या रहेगा हमारा? अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटियां। अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटियों के क्रम को याद रखने की एक ट्रिक है जो काफी इजी है। गुरु से दिल से रख जरा आस, कुंभा रघुनाथ ऋषि का सबसे सज्जन मोड़, जो खो में सात बोली रोज बोले। अब इस ट्रिक को हम कैसे समझ सकते हैं, तो इस ट्रिक से कैसे हम सर्वोच्च चोटियों के नाम याद रख सकते हैं, तो हम आगे देखेंगे। गुरु से क्या होगा, हम सबको पता है अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। से शेर, दिल से दिलवाड़ा। यहाँ से कुछ नहीं होगा तो इसको इग्नोर करना है। रख से भी कुछ नहीं है, इग्नोर करना है। और फिर यहाँ जरा से आएगा जरगा जी और अ से अचलगढ़। ये तो मुख्य पांच हो गई सर्वोच्च चोटियां। अब आगे क्या है, कुंभा रघुनाथ ऋषि, तो यानी कि कुंभा से कुंभलगढ़, रघुनाथ से रघुनाथगढ़। तो ये सारी हम ट्रिक आगे देखते हैं। तो इस तरह से हम इस वाले टॉपिक को कवर करेंगे। अब हम प्रॉपर नेक्स्ट एक टेबल बनाते हैं जहां पर, यहाँ तो हमने ट्रिक लिख रखी है, अब यहाँ हम इनका नाम लिखेंगे सर्वोच्च चोटियों का। फिर इसके बाद में इस टेबल में आगे की ओर हम बढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इनके जिले कौन से हैं, इन सर्वोच्च चोटियों के जिले कौन से, और यहाँ पर इनकी ऊंचाई। ऊंचाई आप 4-5 बार इस टेबल को बार बार रिवाइज करेंगे तो वैसे भी अपने आप याद हो जाएगी ये चीज। और वैसे भी मोस्टली क्वेश्चन आते हैं कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और उनको मैच करना होता है उनकी चोटियों को, तो अगर हमको ये क्रम याद होगा तो हम वैसे भी उस मैच द फॉलोइंग वाले को इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं गुरु से क्या है, गुरु शिखर। और गुरु शिखर हम सबको पता ही है अरावली की सर्वोच्च चोटी, और ये कहाँ पर कौन से जिले में है, तो ये है सिरोही में। सिरोही, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 या 1727। फिर इसके बाद में हमने पढ़ा है शेर, शेर यानी कि शेर, और शेर कहाँ पर है, शेर भी सिरोही में है, और इसकी इस चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो ये है 1597। ये सारी चोटियां की जो ऊंचाइयां हैं वो सारी मीटर में होगी, ये हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए इसका। दिल से देलवाड़ा, देलवाड़ा, और ये भी कहां पर है, सिरोही में। इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई है 1442। फिर यहां पर से कुछ भी नहीं है तो इसको हमें इग्नोर करना है एक तो, और यहां पर रख से भी कुछ नहीं है तो इसको भी हमें इग्नोर करना है। यहां जरा से, ज से जरगा जी, जरगा जी, और ये झरगा जी किधर है, तो उदयपुर, उदयपुर जिले में। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 1431 मीटर। फिर आस, यहाँ पर मैं एरो कर देती हूँ जिससे कि ऊपर नीचे ना हो जाए। आस से क्या होगा, अचलगढ़, अचलगढ़, और अचलगढ़ है सिरोही में। ये तो भाई टॉप 5 चोटियां। अब आगे हम देखेंगे इस अचलगढ़ की ऊंचाई कितनी है, तो अचलगढ़ की है 1380 मीटर। अब टॉप 5 की तो हमें बेसिक याद रखनी ही है कि इसकी सर्वोच्च चोटियां क्या है, इनकी ऊंचाई क्या है, ये सब कुछ। अब आगे हम देखते हैं, अगर वो याद होता है तो ठीक है, नहीं भी होता है तो भी चल जाएगा काम, क्योंकि हमें एक आइडिया हो जाता है कि इसका क्रम क्या होगा, ज्यादा से कम या फिर कम से ज्यादा का क्रम याद होगा तो हम दूसरे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। कुंभा से क्या होगा, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़, और ये कहां पर है, राजसमंद, राजसमंद। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 1242 मीटर। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ है सीकर में। और इसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। फिर उसके बाद है ऋषि, ऋषि से ऋषिकेश, ऋषिकेश, और इस ये कहां पर है, सिरोही, और इसकी ऊंचाई है 1017 मीटर। फिर नेक्स्ट कौन है, कमलनाथ, कमलनाथ, कमलनाथ कहां पर है, उदयपुर में, और इसकी ऊंचाई है 1001। फिर है सज्जन से सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ कहां पर, उदयपुर में ये भी, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 938 मीटर। फिर मोर से मोरम जी, मोरम जी, और ये कहां पर, अजमेर में, ये चोटी अजमेर में है, और इसकी ऊंचाई, इससे खाली 4
मीटर कम है, यानी कि 934 मीटर। फिर यहाँ पर जो से हमें कोई मतलब नहीं है, इसको इग्नोर करना है, और मैं से भी कोई मतलब नहीं है, इसको भी इग्नोर करना है। यहाँ पर सबसे से कोई भी सर्वोच्च चोटी नहीं है, सज्जन आ रहा है, तो सज्जनगढ़ इजीली याद हो रहा है। तो यहाँ खो से क्या होगा, खो, और खो कहाँ, जयपुर, खो जयपुर, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 920 मीटर। फिर नेक्स्ट सा, सा से क्या होगा, सायरा, सायरा कहाँ पर, उदयपुर, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 900 मीटर। त से है तारागढ़, तारागढ़ अजमेर में, और तारागढ़ की है 873। फिर बोली से बिलाली, और बिलाली कहाँ पर, अलवर में। इनके जिले याद रखने जरूरी है, क्योंकि कई बार जिलों का मिलान दे देते हैं, कई बार ऊंचाई का मिलान दे देते हैं, तो कई बार इनका क्रम पूछ लेते हैं कि कम से ज्यादा या ज्यादा से कम। तो बिलाली कहाँ पर है, अलवर में है, और इसकी इस चोटी की ऊंचाई है कितनी, 775। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी अच्छी ट्रिक्स लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विस्तृति एजुकेशन, एंड प्लीज डाउनलोड विस्तृति एजुकेशन एप्लीकेशन। थैंक यू सो मच।